Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So today's video is very exciting. I think after such a long time I'm sharing this kind of video, like full face of first impression. So there are some new launches and also some affordable products, and I have created this beautiful gorgeous look with those makeup products. एंड जितना भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया ना इस वीडियो पे, वो सब मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है ना, मतलब क्या ही बताओ, मतलब आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट्स. सो इफ यू वांट टू नो माय फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक अ शॉर्ट रिव्यू एंड ऑल्सो हाउ आई गॉट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड यप, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यप, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so the first product I have is this NYBE Pro Primer Orange Color Correcting Face Primer. And you guys know ये नया launch हुआ है इसका, orange and green and purple भी है शायद, but I heard really good things about this particular orange color corrector primer. And this retails for ₹249. You will get 15 ml of product, which is I think not bad. ये ना एकदम smooth कर देता है आपकी skin को. At the same time, अगर आपका ये थोड़ा बहुत you know, इफ यू फील लाइक आपको यू नो कलर करेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड बहुत ही स्लाइटली पिगमेंटेशन है हियर एंड देयर, एंड थोड़ा सा डार्क सर्कल है लाइक अंडर योर आईज, लाइक एकदम स्लाइटली, तो ये विल वाओ. सो इट विल कैंसिल दैट आउट एंड यू विल गेट दैट इवन टोन एंड इवन स्किन फॉर योर फाउंडेशन. सो आई रियली लाइक दिट. द फॉर्मुलेशन इज वेरी स्मूथ एंड वेरी लाइट वेट, बट इफ यू हैव डार्क पिगमेंटेशन लाइक यू नो थोड़ा सा डार्क है तो वो कवर अप नहीं होगा, बट हाँ काफी हद तक वो फेड हो जाएगा. उसके बाद यू हैव, अगर आप कुछ फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई करोगे ना, तो इट विल गो लाइक अच्छी तरह से. दिस इज लाइक अ ऑल इन वन प्रोडक्ट, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस डेफिनेटली. सो ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ कोर्स, एंड दिस इज इनसाइड HD फाउंडेशन हाई कवरेज ड्यूई फिनिश. आई बॉट दिस ऑन रिकमेंडेशन, लाइक अर्नाक्षी पदगिरी का मैंने वीडियो देखा था एंड शी वॉज लाइक ओके दिस इज सो गुड, आई हैड टू बाय इट. एंड वन मोर थिंग, आई लव हर वीडियोज. दिस फाउंडेशन इज रियली अ ग्रेट वन, लेट मी टेल यू. माई शेड इज LNP15, आई थिंक यहाँ पे ना बस 5 शेड्स या फिर 4 or 5 शेड्स ऐसा कुछ अवेलेबल था. मैंने इस परचेज किया है फ्रॉम अमेजन, आई थिंक इट वॉज 250 अराउंड, एंड यू विल गेट 20 ml ऑफ प्रोडक्ट. आई डोंट नो हाउ, वहाँ पे बस यू नो लाइक 15, 20, 25 ऐसे करके शेड था, एंड आई चोज 15, लाइक 10 से स्टार्ट हो रहा था, आई चोज 15. And it was like a perfect match for me, and I was so happy about it. It says it's high coverage and dewy finish. It's definitely a high coverage foundation. I can build this like आप इसे full coverage बना सकते हो. But the problem is ये थोड़ा सा मुझे skin पे heavy लगा, and मुझे ना इसका कोई dewy effect नजर नहीं आया. Kind of matte, you know, not demi matte also, not super matte also, somewhere in between. So मुझे थोड़ा सा, because I have combination skin and in this like winter season पे ना मेरा skin काफी ज़्यादा dry हो जाता है, so you have to hydrate your skin really very well before applying it. Otherwise, I think this is a very good foundation. The foundation is very good. It was blending like a dream. मैंने इसे यू नो एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड किया था, but if you use a beauty blender ना, ये काफी अच्छा आपको finish provide करेगा, and also I think you will get a demi matte finish also. So yeah, a big hit for this foundation. So next up I have a concealer, and this is Mars Blossom Concealer, and my shade is Warm Sand 03. इसमें I think 5 or 6 shades available था. Shades, wow. इसमें I think 5 or 6 इसमें I think 5 or 6 shades available था, and मुझे लास्ट कुछ दिनों से मेरी तबियत ऐसे से बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना. मैं इतने बकबक करती हूँ ना, जितना मैं हायर स्पीड में बकबक करती हूँ उतना मेरा खांसी होता है. सो मुझे एक्चुअली मेरे कैमरे के सामने थोड़ा सा जोर से बकना पड़ता है, बिकॉज मेरा जो माइक है वो मुझे लगता है कि काम नहीं करता. सो मैं ऐसे ही मेरे कैमरा पे डायरेक्ट शूट करती हूँ. तो जो वीडियो मुझे 1 hour 2 बनाना चाहिए वो मैं 2 घंटे बना रही हूँ. सो दिस कंसीलर इज, ओ माय गॉड, आई बॉट दिस फ्रॉम अमेजन एंड आई लव्ड दिस कंसीलर. दिस इज सुपर लाइट वेट, द फॉर्मुलेशन इज रियली वेरी स्मूथ एंड यू नो ब्लेंडेबल, लाइक आप इसे बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हो विद योर फिंगर और विद एनी स्पंज और ब्रश. आई यूज द स्पंज ऑन दिस साइड एंड एक ब्रश से मैंने इस साइड को किया था. आई फील लाइक स्पंज से ना काफी सीमलेसली ब्लेंड होता है एंड यू विल गेट अ फ्लॉलेस फिनिश. एंड ऑल्सो इसका कवरेज जो है ना इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स
medium coverage concealer. You'll get a basic one, and the quantity is also great, like 4.5 ml, and it was like for 179 or something. It is so cheap and so amazing. I think you should go for it. And agar isme aapko perfection mil jaye na to matlab kya hi baat. So yeah, again a big hit for this concealer. So next up we have a compact, and this is stay quirky compact in this shade Ivory Venue Body 1. And its price is 249 rupees. Its packaging मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, because खोलने के time कभी भी गिर सकता है ये. Formulation is like very smooth. इसका coverage भी काफी ठीक ठाक ही है, like it's not that good, it's not that bad, and feels like butter. I really love the formulation of it. Okay, so first impression पे मुझे compact अच्छा लगा, but it's not that, like it's not up to the mark. I liked it, like yeah, likeable compact here. So next up I have a blush, and it's a liquid blush. This is O2O liquid blush, and my shade is 01. I think isme na aur kuch shades available nahi tha, so I was like okay, let's buy this, because I don't have any pink, like baby pink blush. I have to say the packaging, it's so sleek, it feels like luxurious. It's a glass bottle with this plasticky black cap, and this goldenish upar ka kuch hai, and isme pump milega aapko. That's a very good thing, like bahut easy rehta use karna. So its ka jo formulation hai na wo thoda sa thick hai, like thoda sa na creamy and liquid ke beech mein hai, and it has ekdam tiny bit shimmer particles in it, jo ki samajh mein nahi aata hai actually. Waise to matlab thoda sa shiny effect deta hai aapko, but I feel like agar aap ise apne finger tip se blend karoge to I think achhe tarah se blend hoga. If you use it, you know, on a sheer coverage foundation, then अच्छी तरह से blend होगा. But मैंने इसे ना कुछ high coverage वाला foundation के ऊपर use किया था, and जब मैं इसे blend कर रही थी using a beauty blender, तो एक थोड़ा थोड़ा बीच से remove हो रहा था foundation मेरा. So कुछ कुछ blush होता है, liquid blush, जैसे उसे अगर आप पाउडर के ऊपर अप्लाई करो ना, पैच ही नहीं लगता. आई थिंक मैंने इससे पे थोड़ा ज्यादा पाउडर अप्लाई कर लिया था, तो इसलिए इस साइड पे थोड़ा पैच ही हो गया, बट दिस साइड पे बहुत इजीली ब्लेंड हो गया ये, एंड बहुत अच्छा इसका फिनिश आ रहा था. थोड़ा शाइनी एंड हेल्दी चिक्स वाला फीलिंग आता है इसका, एंड द शेड इज रियली गुड एक्चुअली. आई फील लाइक कि मुझे मेरे साइड से वॉश ऑफ ना कर दी मेरे फेस को, बट इट इज नॉट दैट. द शेड इज वेरी प्रिटी, एंड यू ना बहुत ही टाइनी अमाउंट आपको लगेगा, मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया था एक्चुअली. अगर मैं अभी देखूँ तो ब्लश जो है ना काफी हद तक फेड हो गया है, सो अप्लाई इट अ लिटिल बिट मोर देन यूजुअल. काफी शेयर है, लाइक आप इसे एकदम शुरू में ही एकदम लगा लोगे एंड एकदम धप से लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन बिल्ड दिस अकॉर्डिंगली, एंड आई फील लाइक कि ये ना अ फिंगर टिप से अच्छी तरह से ब्लेंड होता है. सो मैं अभी तो इतना ही कह सकती इसके बारे में. आई लाइक्ड इट, आई वुड से आई लव्ड इट, बिकॉज पैची लगने लगा. आई थिंक इट वॉज माई फॉल्ट ओनली, आई डोंट नो येट. आई ट्राई इट मोर एंड देन आई लेट यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट मोर. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव अ ब्रॉन्जर. वेल आई वॉज सर्चिंग अमेजन पे कि लाइक कॉन्टोर कम ब्रॉन्जर करके, एंड मैं इसका फिल्टर लगाई थी लो टू हाई, लाइक प्राइस का. मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन मिला था वो ये था, एंड दिस इज कलर एसेंस मैट ब्रॉन्जर, कलर योर स्पिरिट मैट ब्रॉन्जर. एंड इसका जो प्राइस है, दिस इज आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, कितने का था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वॉज वेरी अफोर्डेबल, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. मैंने इसे इससे पहले मतलब कभी देखा क्यों नहीं, मतलब इसने इसके बारे में कुछ बोला क्यों नहीं, बिकॉज दिस वन इज सच अ गुड प्रोडक्ट. सो दिस इज द शेड राइट हियर. इसका जो पैकेजिंग है ना कुछ काफी अच्छा लगा वैसे, and you will get a mirror and also a puff, like it's travel friendly as well. Like I have medium skin tone and this is perfect for me, and I think it will look good on fair skin tone as well. Its formulation jo hai na काफी smooth hai, and एकदम अच्छी तरह से blend हो रहा था, बिल्कुल भी patchy नहीं लग रहा था. And I have applied it actually, you can see how beautiful my face is looking. I mean एकदम chiseled and sharp. I really loved it, and this is the shade right here. I don't know if it's visible or not right here exactly. It's matte, it blends very beautifully, and the shade is of course a very good match for my skin tone. I think this is going to be my current favorite bronzer. This is such a good product and so affordable hai. And mujhe also iske sath mein aisa kuch mila tha, and ye jo hai bata rahi hu, ye jo hai sponge hai. ट्रायंगुलर शेप में स्पंज नहीं मिलता, इसे एक्चुअली आप यूज कर सकते हो ना अपने कॉन्ट्रोल कट करने के लिए, या फिर नोज कॉन्ट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो. आप एक्चुअली पूछ रहे थे काफी दिनों से कोई अच्छा अफोर्डेबल कॉन्ट्रोल बता दो. आई थिंक यू गाइस जस्ट गो फॉर इट, इट इज सो गुड. आई मीन यू वॉन्ट कंप्लेन, ट्रस्ट मी, इट इज अमेजिंग. सो नेक्स्ट मेरे पास है एक हाईलाइटर, एंड दिस इज अ न्यू लॉन्च, दिस इज मार्स हाईलाइटर.
This is the packaging, a very sleek packaging. I love the packaging. And my shade is champagne. इससे मुझे मिला है 25 ml of product. इसका पीछे ना expired date है लिखा हुआ, which is I think great. मैंने recently एक highlighter try किया है, and ये उसका dupe है exactly. मैं बताऊंगी शायद मेरे next video पे. And I loved it. I mean, this is such an amazing product. मतलब मैं बोल रही थी ना, मेरे सब product जो मैंने use किया है इस video पे, सारे के सारे मुझे बहुत पसंद आया है. सो ये जो अमेजिंग वाला वर्ड है ना, आप काफी बार सुनोगे. इट हैज नो हार्श शिमर पार्टिकल्स इन इट, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन चीक्स. एंड जस्ट लुक एट माय चीक्स, आई एम शाइनिंग राइट नाउ. आई थिंक मैं इसे ऑल थ्रू अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया. आई थिंक इसमें दो शेड्स और अवेलेबल था, बट ये जो पर्टिकुलर शेड है ना शैम्पेन, ये लाइक मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए काफी अच्छा है ये वाला शेड. एंड आई loved it. Like look at it, how beautiful the shade is and how pretty it's looking right now. You know, I love Mars products. कुछ products मुझे बहुत पसंद है, and काफी you know अभी जो है Mars का products और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है quality wise, packaging wise. Like a big shout out to Mars. So next up we have an eyeshadow palette, and this is from Mars again, and this is their new launch Mars Mesmerize eyeshadow palette. Its price is 249 rupees, and just look at the palette, you guys. I mean, look at the shades. It's a colorful palette. I think इसमें ना अभी उन्होंने new shades ही launch कर दिया है. The color story is beautiful. The shades are really pigmented. मैंने actually दो ही shade use किया है इस palette में से आज, but I am like excited to try this palette more and more and more, because look at the colors. This is so good. And let me just swatch it for you. You will know how good the shades are, how pigmented the shades are. Look at the shades, you guys. यहाँ पे आपको मिलेगा matte shades and shimmer shades. And this one ऊपर जो है यहाँ पे है, ये pressed है, जो कि ये वाला shade है. And this is like pure glitters. Super good. The shimmers are really pigmented. मुझे ये वाला थोड़ा सा powdery लगा, थोड़ा chalky लगा. And mattes थोड़ा सा powdery है, but you can manage that. अगर person loose पर apply कर लो underneath your eye, then you can just remove the excess fallout जो भी होगा. But I think this palette is really gorgeous at this price point. I mean 249 for this colorful palette. Just get it for yourself right now. अगर आप beginner हो, if you're looking for a colorful, affordable palette, just go for this palette. This is such a worth buying palette. So next मेरे पास है again एक eye shadow, and this is again I bought it on recommendation, and this is Charmacy Star Bomb eyeshadow in the shade 006. इसमें I guess 5 shades available था, and I picked this one. First of all, though, the packaging is very sleek and classy, and I really loved it. इसका price for a single eyeshadow is थोड़ा सा ज़्यादा है. It was like for 800 something, and it feels like you know smoother than a butter. And just look at the shade, you guys. This is so gorgeous, and it has this halo effect in it. Like इसमें pink, purple, and greenish shimmery effect है. The formulation is really smooth and काफी easily apply हो रहा था. And look at my eyes, you guys. मैंने अपने inner corner पे and also मेरे eyelid पे apply किया ये shade. And दोनों जगह पे ना ये different लग रहा है because of the halo effect. If you are a makeup lover and अगर अपने आपके पास अभी भी ये नहीं है ना, तो मतलब आप बहुत कुछ miss कर रहे हो. जल्दी से purchase कर लो, because this is so good, you guys. I didn't expect कि इतना अच्छा होगा. So next up I have a mascara, and this is a very old one, लेकिन मैंने इसे पहली बार purchase किया है. Don't laugh at me. So this is Color Bar Zoom and Whoosh mascara. बहुत दिनों से market पे है. मैंने वैसे कभी खरीदा नहीं था इसे. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक थोड़ा सा मुझे प्राइसी लगता था कभी ये. आई थिंक इसका प्राइस इज लाइक 700 या फिर 800 रुपीज ऐसा कुछ होगा. इट वाज ऑन सेल ऑन अमेज़न, सो आई वाज लाइक ओके लेट्स बाय इट नाउ. आई मीन इट्स हाई टाइम कि मैं खरीद रही हूँ जरा मस्कारा, तो ये भी खरीद लेते हैं. इसमें आपको ना दो डिफरेंट वन मिलता है. एक जो है फ्लफी वाला वन, लाइक यही सेम वन आपको स्क्वीज करके प्रोडक्ट आपको देगा, जो आप अपने लोअर लैशेज पे अप्लाई कर सकते हो. काफी अच्छी तरह से मैं लैशेज को ना कोट कर रहा था, एंड वॉल्यूम भी लाइक काफी अच्छी तरह से दिया. थैंक गॉड मैंने फाइनली ये खरीद ही लिया. सो नेक्स्ट मेरे पास है एक फॉल्स लैशेस का सेट, जो मैंने परचेज किया है अगेन फ्रॉम अमेज़न. मेरे पास ये इसका और एक सेट भी है, जो कि थोड़ा सा वॉल्यूमिनस एंड ड्रामेटिक था, एंड दिस इज द नेचुरल वन. मैंने इसका एक ऑलरेडी यूज किया है, एंड दिस इज सो गुड. मुझे इस ब्रांड का जो लैशेस है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. आई वाज लाइक लेट्स बाय द नेचुरल वन. यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स, ट्रस्ट मी. लाइक मेरे पास अभी भी पहले वाला है,
जो एक खराब हुआ है बस बाकी दो अभी भी इंटैक्ट है. यू नो बिल्कुल भी यू नो फॉल्स नहीं लगता, यू नो अननेचुरल नहीं लगता, प्लास्टिक नहीं लगता. आई रियली लव देयर लैशेज एंड दे वर लाइक सुपर अफोर्डेबल. इट वाज लाइक आई थिंक 350 ऐसा कुछ प्राइस है इसका. इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल येट ब्यूटिफुल लैशेज, जस्ट गो फॉर Kalilis lashes on Amazon. They are so good. So the last product I have is a new launch again. This is by Cuffs and Lashes and this is their liquid lipstick. So मुझे actually PR मिला था. मेरे पास इसका सब shades available है like matte and also gloss. तो मुझे comment करके जरूर बताओ कि आपको you know lip swatches देखना है कि नहीं. इस हर एक shades का मैं जरूर दिखाऊंगी. But in this video मैंने ये वाला shade use किया है 06. It's called a viral. And look at my lips you guys. It's looking so shiny. But मैंने जो notice किया है ना, जब मैंने इसे अप्लाई किया था शुरू में तब भी और ज्यादा शाइनी था. ये धीरे धीरे इसका शाइन थोड़ा सा कम हो रहा है बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द शेड इज सो प्रिटी एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन लिप्स. इट मेक्स योर लिप्स फुलर. ऑल्सो द फॉर्मुलेशन इज वेरी कंफर्टेबल. इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ. 225 rupees एंड द फॉर्मुलेशन इज रियली अमेजिंग फॉर दिस प्राइस पॉइंट. वेल इसका एक क्लियर भी आता है कि क्लियर ग्लॉस. मैंने सोचा ये अप्लाई करूंगी मैं. But then I thought let's apply the pink peach one. But let's just stop it with this and let's see ये कैसा लगता है. Oh my god, just look at my lips. It's looking pretty pretty. And actually मैं ढूंढ ही रही थी कुछ affordable lip glosses you know online पे and मुझे ये मिल गया. And oh my god, I am so happy. Thank you Nidhi Di for sending this. I love them, really I love them. सो येस अगेन मैंने इसका मैट शेड अभी भी ट्राई नहीं किया है बट आई लव देयर ग्लॉस. इट्स सुपर प्रिटी एंड ब्यूटिफुली पिगमेंटेड. इसका पिगमेंटेड ग्लॉस है वो काफी पिगमेंटेड है. येस आई थिंक यहीं पे खत्म होता है मेरा आज का वीडियो. एंड या लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना है तो कमेंट जरूर करना, मैं जरूर शेयर करूंगी ऐसा वीडियो. सो यह दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.